नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुशवाहा आपका स्वागत करता हूँ प्रोवाइड सीएस चैनल में। तो हम लोग देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने जो इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर जो टेबल है, हमने टेबल बनाना देखा था, टेबल को डिजाइन करना, टेबल को जो भी डाटा एंट्री कैसे करना है उसको, और सॉर्टिंग और बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने जो टेबल की थी पूरा कवर कर लिया था। आज हमें देखना था पिक्चर्स, ठीक है। तो पिक्चर्स कैसे डालना है हमें, तो चलिए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और पिक्चर में क्लिक करते ही आपका ये फाइल मैनेजर खुल जाएगा, ठीक है। तो आप फाइल मैनेजर खुल गया है, अब आप जो पिक्चर चाहें उसको सेलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। तो मैं करता हूँ, मेरी जो पिक्चर है वो कहाँ पे है देख लेता हूँ, शायद एफ में इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, ये वाले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्लिक करते हैं और इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। देखिए तो जो हमारी पिक्चर है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे एक एक करके हम लोग इसके अंदर डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग कैसे हो रही है, देखिए यहाँ पे पिक्चर टूल खुल गया, इस वजह से डिजाइनिंग हो गया। अगर पिक्चर टूल नहीं रहेगा तो ऑप्शन जो है वो किसी काम का नहीं होगा। तो कब काम करेगा, जब आप पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे तब पिक्चर टूल वाला ऑप्शन काम करेगा। अगर आपने पिक्चर टूल वाला ये पिक्चर सेलेक्ट नहीं करा है तो पिक्चर टूल वाला ऑप्शन जो है वो काम नहीं करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं तो एडजस्ट आता है पिक्चर टूल का। एडजस्ट में क्या होता है, सबसे पहले आप ब्राइटनेस है तो ब्राइटनेस आप बढ़ा घटा सकते। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दिया, घटाया ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे आता है कॉन्ट्रास्ट। जैसे हम लोग फोटो एडिट करते हैं ना, पिक्चर एडिट करते हैं, देखे होंगे आप मोबाइल में एडिट करते हैं, तो सेम टू सेम ऐसे यहाँ पे भी आप थोड़ा बहुत एडिटिंग कर सकते हैं। फिर आता है रिकलर। रिकलर देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए हुए हैं, है ना। तो आप ऐसे इस तरीके से लगा सकते हैं यहाँ से कलर, हम लोग अभी नहीं लगा रहे हैं। कंप्रेस इमेज में क्या होगा कि जो आप पिक्चर है उसको सेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक फिक्स कर देते हैं। तो ये तो पहले से ही फिक्स है, इसको हम लोग थोड़ा और बड़ा कर छोटा करके देखते हैं। यहाँ पे कंप्रेस नहीं हो रहा है, ऑप्शन के अंदर जाके करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं उसको, अगर फुल साइज में छोटा साइज में करना चाहते हैं तो ये ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे अब जो पिक्चर की साइज है, क्वालिटी है, वो गड़बड़ा आ गई है। देखिए गलत, वो क्या बोलते हैं, एक बार और करके दिखा देता हूँ तो आपको और समझ में आ जाए। तो जैसे यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में गए और यहाँ पे हम लोग इसका जो पिक्सल है, कहने का मतलब जो इमेज की क्वालिटी हम लोग कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो इमेज जो साइज है उसको कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब थोड़ा छोटा कर रहे हैं। आप अगर चाहें 150 PPI में कर देंगे तो और थोड़ा बेहतर हो गया, वो प्रिंट बेस पे करेंगे तो थोड़ा और बेहतर दिखेगी। ओके कर देते हैं। देखिए कुछ खास फर्क नहीं दिखा, पर मतलब हमें यही देखने को यहाँ पे मिलेगा कि आपकी जो क्वालिटी है उसमें डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पे मैं गया ईमेल में, ओके कर देंगे तो ये ईमेल हिसाब से वो ऑटोमेटिक उसका जो साइज है, पिक्सल है या क्वालिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, रिसेट पिक्चर में कर देते हैं, तो पिक्चर की जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट हो जाएगी। मैंने रिसेट करा, जो हमारी पिक्चर की क्वालिटी है वो नॉर्मल हो चुकी है। चेंज पिक्चर में करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो पिक्चर है हम लोग चेंज करना चाहते हैं किसी और पिक्चर से। जैसे कि मैं यहाँ पे डी में जाऊँ, पिक्चर्स पे जाऊँ, तो यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर हम लोग इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, इसे करके देखते हैं और इंसर्ट कर देते। देखिए वो पिक्चर हट चुके हैं, उसकी जगह पे ये पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर चेंज कर सकते हैं, उसकी जो डिजाइनिंग है आप फॉर्मेटिंग, यहाँ पे आपने बहुत कुछ कर दिया, अब आप उसको चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे मैंने बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट कर दिया और बहुत हाई यहाँ पे ब्राइटनेस कर देता हूँ। देखिए अब ये पसंद नहीं आ रही, हमने क्या करा, बहुत सारे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो हम लोग रिसेट कर देंगे पिक्चर को। कहाँ गई पिक्चर हमारी, ये रिसेट कर दिया, तो पूरा जो पिक्चर था वो एक्चुअल क्वालिटी में आ चुकी है। तो एक्चुअल क्वालिटी में आ गई, इस वजह से हमें काफ़ी बड़ी दिख रही है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए यहाँ पे छोटी सी बनी, हम लोग इसको खींच के छोटा कर देंगे, और छोटा करना पड़ेगा, और भी छोटा होना चाहिए यहाँ पे। तो ये काफी छोटी हो चुकी है, तो अब हम लोग इसके अंदर पिक्चर की जो स्टाइल है वो अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे पिक्चर है हमारी, पिक्चर में हम लोग कोई डिजाइन ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी डिजाइनें दी हुई हैं, तो हम लोग उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर में ये फ्रेम है, उसके बाद ये रिफ्लेक्शन लगा हुआ है, और भी बहुत सारी डिजाइनें हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पिक्चर हो गई, इसको हमने कुछ फ्रेम लगा दिए यहाँ पे, और बाय चांस हम लोग चाहते हैं इसका जो शेप है हम अपने हिसाब से डिजाइन करना चाहते हैं, तो हम लोग पिक्चर शेप में क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे बहुत सारे शेप दिए हुए हैं, हम लोग उनमें से किसी को अप्लाई करके देखते हैं। ये ओवल वाला करके देखते हैं, देखिए तो ये ओवल शेप में आ चुका है। ऐसे हम लोग और कोई भी शेप चाहें यहाँ पे अप्लाई कर करके देख सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप जो शेप है उस पर क्लिक करेंगे तो वो उसी डिजाइन का ये सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए इस तरीके से। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर आता है यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर। बॉर्डर कौन सा है, यही बॉर्डर है जो ये ब्लैक कलर का है। अगर आप उसका यहाँ पे शेप ले चुके हैं, अब उसके बाद आप उसका जो कलर है वो चेंज करना चाहते हैं, तो पिक्चर बॉर्डर में जाके और हम लोग उसका जो बॉर्डर है कोई और कलर कर देते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर की जो विड्थ है अगर काफ़ी मोटी दिख रही है तो आप पतला भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको वापस से मोटा कर देता हूँ थोड़ा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर की जो बॉर्डर है वो चेंज कर सकते हैं। फिर आता है इफेक्ट, तो इफेक्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने क्लिक करा, देखिए ये लग चुका है। ऐसे आप स्मार्ट ग्लो वाला यूज कर सकते हैं, ये और भी ऐसे इफेक्ट हैं आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अभी मैं इसको जो 3D वाला है वो हटा देता हूँ, और यहाँ पे HS हो गया, ये ठीक दिखेगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर ये ऐसा आप यहाँ से पिक्चर की जो इफेक्ट है आप लगा सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग जो आगे आने वाले हैं उनमें ये सब यूज होने वाला है, तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि पिक्चर इफेक्ट क्या होती है, बॉर्डर से क्या होता है, बॉर्डर कैसे लगता है। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ते रहना है। फिर आता है पोजिशन। पोजिशन आता है कि आप ये जो पिक्चर है उसको आप कितने उसमें रखना चाहते हैं। जैसे कि ये हमारा पेज है, ठीक है, ये एक पेज है, इस पेज में हम लोग इस पिक्चर को कहाँ रखना चाहते हैं। अभी कहाँ पे है ये, टॉप लेफ्ट में है। अभी हम इसको चाहते हैं कि सेंटर में आना चाहिए। देखिए ये पेज के सेंटर में आ चुका है, और ऐसे हम चाहते हैं पिक्चर को टॉप राइट में चाहते हैं, तो ये आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, देखिए। ठीक है, तो ये एक तो ये हो गया। फिर हम चाहे इसके बाद आता है यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक। ये क्या है कि हम लोग जो यहाँ से पोजिशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये ब्रैपिंग वाला, तो ब्रैपिंग वाला काम यहाँ पे भी है। तो हम लोग ये टेक्स्ट वैपिंग देख लेंगे, तो ये जो दो तीन ऑप्शन है इनको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मतलब बिना यूज करे भी काम चल जाएगा आपका। तो मैं इसको करता हूँ सेलेक्ट, और इसको कंट्रोल एक्स से कट कर लेते हैं। अब इसको ले चलते हैं जहाँ पे कहीं पे टेक्स्ट लिखा हो। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, हम लोग यहाँ पे लाके इसको रखते हैं। ये मैंने कंट्रोल भी करा, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कंट्रोल भी करा तो ये पिक्चर का जो टेक्स्ट है वो सेट हो रहा है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये क्यों सेट हो रहा है ऑटोमेटिक, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो पोजिशन है यहाँ से लिया था। बाई चांस हो सकता है कि अगर आपने वो नहीं लिया हो तो इस तरीके से पिक्चर आएगी। ठीक है, यहाँ से अगर आपने पोजीशन सेट नहीं करा है तो आपकी पिक्चर कुछ इस तरीके से आएगी, और इसके अगल बगल टेक्स्ट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बगल में टेक्स्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टेक्स्ट वैपिंग वाला ऑप्शन यूज करेंगे, और आप इसको स्क्वायर जैसे यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्क्वायर जैसा है, और यहाँ पे पूरा टेक्स्ट आ रहा है। और ऐसे आप ये टाइट वाला यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितने इमेज है उतने में टेक वो रहेगा, आपकी जगह यूज नहीं होगी, बाकी पूरी जगह यूज होने वाली है। देखिए मैंने टाइट पे क्लिक करा तो ये यूज हो रहा है। शेप चेंज करूंगा तो आपको और समझ में आएगा। ये मैंने शेप चेंज करा सर्कुलर, तो देखिए हमारा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से शेप खत्म हो रही है, यहाँ से ऐसा लेके ऐसा, ये इस तरीके से। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जो शेप है वो यहाँ पे लिया है टाइट वाला। फिर ब्रिंग टेक्स्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा इसके, मतलब टेक्स्ट जो है उसके ऊपर आ जाएगा, पिक्चर के ऊपर आ जाएगा। और ब्रैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि जो टेक्स्ट हमारा है वो पीछे चला जाएगा और इमेज जो है ऊपर आ जाएगी उसके। तो ये आपको प्रैक्टिस करना, यूज करेंगे आप तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आता है एलाइगन। एलाइगन जैसे हम लोग यहाँ पे पोजीशन यूज कर रहे थे, ऐसे एलाइगन आ रहा है। आप लेफ्ट राइट ये एलाइगन सेंटर में कर देंगे, सेंटर में आ जाएगी। राइट में कर देंगे, राइट में आ जाएगी। जैसे आप चाहें एलाइगमेंट बॉटम में कर देंगे तो ये बॉटम में आ चुका है। फिर आता है रोटेशन। तो हमारी जो पिक्चर है इसको हम लोग रोटेट करके देखते हैं, तो इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री घूम चुकी है, और घुमाते हैं 90 डिग्री इसको। ये मैंने 90 डिग्री अभी राइट घुमाए थे तो राइट साइड घूम चुकी है, और एक बार राइट करते हैं, देखिए उल्टा हो गया है। फिर एक बार यहाँ पे देखिए 90 डिग्री लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट घूम जाएगी। फिर आता है वर्टिकल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप हो चुकी है। हॉरिजेंटल फ्लिप में क्या हुआ कि हॉरिजेंटल फ्लिप हो गया है, और ऐसे हम लोग घुमा घुमा के उसको सीधा कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो पिक्चर है उसका जो शेप है आप चेंज कर सकते हैं। रिसेट पिक्चर में कर देंगे तो वापस जितने भी हमने डिजाइनिंग करा है पूरा जो पिक्चर का शेप है वो हट जाएगा। तो चलिए हटा के देखते हैं। यहाँ पे रिसेट पिक्चर में मैंने क्लिक करा, देखिए पिक्चर की जो साइज है वो एक्चुअल हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे ये काम आएगा, ये साइज हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे खींच खींच के बड़ा करते थे। हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं। तो कैसे छोटा करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधे लिख देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे हम इसको 2 सेंटीमीटर, और इसको भी 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर, इंटर। अब देखिए ये इतनी छोटी हो चुकी है, आप इसको चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बढ़ाया, ये बड़ी हो गई। ठीक है, आप चाहें तो इसको मैं डायरेक्ट इसको 5 कर देता हूँ, तो ये मीडियम साइज की हो चुकी है। अब देखिए इसको एक साइज छोटा तो हो चुका है, बड़ा भी हो चुका है, हम इसको क्रॉप करना चाहते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं ये इतना होना चाहिए, तो हम लोग क्रॉप में क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा शेप है यहाँ का, ये चेंज हो चुका है। तो हम लोग इसको खींच के छोटा करेंगे, ये देखिए यहाँ से इतना, और यहाँ कहीं खाली जगह में आप क्लिक कर देंगे। मैंने खाली जगह में क्लिक करा, देखिए उतना जो हमने सेलेक्ट करा था वो हट चुका है। कंट्रोल जेड करके देख सकते हैं, ये है ना, जितना हम लोगों ने हटा दिया था वो हट चुका है, और बाकी जो बचा है वो दिख रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर की जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं, आप कट कर सकते हैं, अलाइनमेंट उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसका बॉर्डर लगा सकते हैं जैसा आपको पिक्चर में बॉर्डर चाहिए। तो ये सब आप अप्लाई कर सकते हैं।
पिक्चर के अंदर। ठीक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कुछ समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत हो, आप आराम से बिना किसी डर के, कोई झिझक के, आप आराम से क्वेश्चन पूछिए, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग एक क्लिप आर्ट देखेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।